सर, मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि ऐसी फिल्में जो हैं बहुत कम आती हैं, और रजत कपूर की तो एक्टिंग सब जानते ही हैं, और स्वस्ता मुखर्जी जो है उनकी भी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन जो नवनीत रंजन सर ने जो मतलब ये फिल्म लाया है, इससे ये मैसेज देते हैं कि जैसे जो छोटे डायरेक्टर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है ऐसे प्लेटफॉर्म पे जैसे PVR में या बड़े पर्दे पे लाने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और ये मैसेज से आगे जो छोटे डायरेक्टर्स हैं उनको मौका मिलेगा कि बड़े प्लेटफॉर्म जाने के लिए। कुछ साल पहले जैसे होता था कि उनको मौका नहीं मिलता था मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने के लिए, तो अभी का टाइम जो है फिल्म लाइन भी चेंज हो रहा है और लोगों को अच्छा मैसेज भी जा रहा है कि ऐसी रियलिस्टिक मूवीज़ जो हैं वो आ रही हैं, और ये मूवी में भी ऐसा ही दिखाया गया है कि हम जो सिचुएशन में रहते हैं वो सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, उसको कैसे फेयर किया जाए। प्रेरणा मिली सर आपको कि ये फिल्म देखनी चाहिए? सर, ये फिल्म इसलिए देखना चाहिए कि ये एक आम जिंदगी के तौर पे बनी हुई फिल्म है जो हमारे साथ हो चुकी है या हो रहा है या होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग गुजरते आ रहे हैं, तो इससे कैसे निकला जाए, ये बहुत अच्छा मैसेज है, और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत आगे जाए और डायरेक्टर भी बहुत आगे बढ़े इससे। और आगा आगा फिल्म की स्टार कास्ट से आप बिल्कुल किस तरह से प्रभावित? स्टार कास्ट तो जैसे कि इसमें तो स्वस्तिका मुखर्जी जो हैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, रजत कपूर भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, और सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो रियलिस्टिक जो होता है फिल्मों में वैसे ही एक्टिंग की गई है। तो सर आरुषि हैं जो मीनल कपूर जी हैं, जी उनकी एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी एक्टिंग है, एक्टिंग में कोई डाउट नहीं है इसमें, बस ये है कि आगे और इसे हम चाहते हैं कि और हिट हो और अच्छी जगह पे जाए और अच्छा काम मिले सब। सर 10 में से कितने स्टार देंगे? इसकी मेहनत के हिसाब से तो, डायरेक्टर की मेहनत के हिसाब से तो पहली फिल्म है, तो मैं चाहूँगा कि इनको 8 दिया जाए, 10 में से नवनीत रंजन के लिए 8 देना ज़रूर ज़रूर। थैंक यू। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है और ये एक फैमिली मूवी है जिसमें बताया गया है कि जिस चीज़ हिसाब से बेचारे के साथ हैपनिंग हुई है, कैसे अपने आप को उसने उभारा है, और किस हिसाब से इसने, चाहे रजत कपूर जी हैं चाहे गुड़िया है जो भी है, उन्होंने बहुत अच्छा एक अभिनय किया है और हमें हम लोगों को एक अच्छी सा शिक्षा दी है कि ज़िंदगी में ये कोरा कागज का मतलब यह नहीं है कि यही तक है, उस पर कुछ और भी लिखा जा सकता है, कुछ जीवन के लिए कुछ और भी किया जा सकता है, तो उन लोगों ने किया है और करके दिखाया है, तो कोरा काज बिल्कुल अच्छी लगी है फिल्म, और जिन्होंने बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। नवनीत रंजन जी ने नवनीत रंजन जो किया है वो कैसा लगा सर? अरे बिंदास, उन्होंने तो छोटी छोटी बातों को इतनी बारीकियों से लिया है जो कॉमन है, पर उनको दर्शाया अच्छी से, जो हम लोग रोज हमारा की जिंदगी में करते हैं, जो गाँव के लोग हैं शहर के लोग हैं जो भी हैं, वो उन्होंने बड़ा अच्छे सलीके से उसको दर्शाया है और बेहतरीन डायरेक्शन है। I like it. We all be first time आए because of रजत कपूर एंड स्वस्तिका मुखर्जी। और क्या लगता है आपको ऐसी मूवी और आनी चाहिए? फैमिली मूवी। स्वस्तिका मुखर्जी, रजत कपूर ने बहुत अच्छा काम किया और सबसे अच्छा काम किया बच्चों ने। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा, इट्स अ आर्ट मूवी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम मैं ऐसी मूवीज देख रहा हूँ, और आई थिंक बढ़ावा देना चाहिए ऐसे मूवीज को। इट वॉज रियली नाइस, रजत कपूर सर तो बेहतर है। किस तरह से इंस्पायर हुए आप इस मूवी को देखकर? मुझे सीखा ये कि देयर इज लॉट ऑफ मॉरल्स एक्चुअली, दे टॉट अबाउट फैमिली रूट्स एंड दे टॉट अबाउट ह्यूमैनिटी, बहुत सारी चीज़ें पे फोकस किया गया है। मैं तभी मुझे अभी रिवाइज करना होगा वापस से, आई गेस। थैंक यू। कैसा लगा सर? बहुत अच्छी मूवी थी कोरा कागज, और कोरा कागज एक ऐसा संदेश है कि हर किसी की ज़िंदगी में कोरा कागज ही है, जो संध्या जैसी लड़की की तरह होनहार होके कोरा कागज में कुछ कविता लिखकर स्टेज पर परफॉर्म करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि किस किस की ज़िंदगी में कोरा कागज है और ज़िंदगी अपनी एक वो बनाए। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मूवी देखने आए काफ़ी लोग, धन्यवाद। और इस तरह की मूवी और आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, और जैसे हमारे भाई ने बोला था कि स्कूल में उनसे बताना चाहिए, उससे अच्छा रहेगा। और रजत कपूर ने इतना अच्छा नहीं अच्छा किया उन्होंने बहुत अच्छा किया लगा सब मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, और मैं कहना चाहूँगा और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी मूवी और निकाली। और कोई सीन इसमें की जो बहुत अच्छी लगी हो आपको? सीन तो मेरे को जो क्या है कि वो जो लड़कियों ने, दो चार लड़कियों ने जो सीन बताया था,
बहुत अच्छा लगा था मेरे को उन दिनों बीच में, जैसे एक ऐसा सीन था अच्छा लगा था मेरे को, काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो, थोड़ी हंसी मजाक कॉमेडी भी था। और कोरा कागज़ जो है ज़िंदगी में, हर किसी के ज़िंदगी में कोरा कागज़ रहता है, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया थी। रजत कपूर का मतलब उनका एक्टिंग बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मतलब एक मुखर्जी उनका पूरा नाम मेरे को याद नहीं है। हाँ जी, उनका भी, और एक नया लीड में आई है एक लड़की अश्विनी यादव करके, जी उनका भी अच्छा काम है एक कम समय में, और डायरेक्शन अच्छा है। बच्चों की जो एक्टिंग थी सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब रियल था, जो मेरे को लगा रियल था, और मूवी अच्छी बनी है। और एक मैसेज था एनजीओ की तरफ से कि जो जो एनजीओ हैं इंडिया में जो काम कर रहे हैं उनको और आगे आना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। वो बस रियल बेस पे बना था, और एनजीओ मैसेज एनजीओ था। आप अच्छे से जब देखोगे तो एनजीओ एक प्ले कर रहा था कि एनजीओ कैसे लोगों के साथ काम करना चाहिए, एनजीओ कैसे काम करेगा आगे, थोड़ा डायरेक्शन दिया गया है एनजीओ के माध्यम से। कोरा कागज की कोई ऐसी सीन या कोई ऐसा परफॉर्म जो टच करी हो आपको आर्ट? हाँ, रजत कपूर का लास्ट का सीन जो मतलब जो बैक स्टोरी में जाते हैं, और एक फैमिली को कैसे बिल्ड किया जाता है मूवी में दिखाया गया कि फैमिली से कैसे निकलोगे आप, मतलब अगर आपके फैमिली में हर किसी के फैमिली में कुछ ना कुछ होते रहता है तो उसे कैसे आप उभर के आते हो एक कविता के माध्यम से, तो थोड़ा कम समय में अच्छा दिखाया गया। सर 10 में से कितना नंबर देंगे सर फिल्म को आप? 7.5। थैंक यू सर आपको। बच्चों की पिक्चर बनाना बच्चों का खेल नहीं, और एक्चुअल बच्चों के साथ काम करना जो कि एक्चुअली ट्रेंड एक्टर्स भी नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत एफर्ट का काम है। तो आई कन्वे माय बेस्ट विशेस टू मिस्टर नवनीत रंजन डायरेक्टर, इज एन अमेजिंग वर्क। ऑल्सो द लीड एक्टर स्पेसिफिकली मिस्टर रजत कपूर एज यूजुअल ही इज फैंटास्टिक, बट व्हाट हैज सरप्राइज्ड मी इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस फिल्म। This is the real India। कोरा कागज जैसी और मूवीज आनी चाहिए, लोग आनी चाहिए, और यही हमारा, यही हमारी सही हिंदुस्तान की जो भी हमारी संस्कृति है उसकी ये छाप है, झलक है, और इसे ही अब्रॉड जाना चाहिए। ऐसी मूवीज को मेरे हिसाब से अब्रॉड में प्रमोट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी, इनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। सर जो फिल्म में दिव्या बनी है स्वास्तिका मुखर्जी, उनका काम कैसा था? उनका काम भी अच्छा था, ओरिजिनल था, और मेरे ख्याल से उनके पास जो भी जितना सीमित उनके पास दायरा था उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको मूवी है? आज के तारीख के लिए पिक्चर बहुत अच्छी है, क्योंकि आने वाली समय में जो सब व्यक्ति बोलते हैं मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए पैसे चाहिए, सब लोग पैसे के पीछे भागता है। ये मूवी देखने के बाद ऐसा मुझे समझ आया कि अभी भी है इंसानियत। बस कोरा कागज से क्या मैसेज लगा आपको? मैसेज ये लगा मुझे कि आज के तारीख में इंसान हर एक बात पे झूठ झूठ जो बोलता है, ये पिक्चर में सच्चाई दिखाया गया है। मुझे तो संध्या नाम की लड़की बहुत पसंद है, हमारी बेटी के जैसे ही है वो, मैं उससे एक बार मिलना चाहूँगा आने वाली फ्यूचर में। थैंक यू। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी थी, एंड मुझे तो बेस्ट पार्ट ये लगी कोरा कागज़ की कि बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म थी, नथिंग फिल्टर्ड। एंड अगर आप देखोगे, अगर मैं फिल्म के बारे में बताऊँ तो जो एनजीओ के बच्चों का पूरा सीन है तो वो सारे रियल एनजीओ के बच्चे हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आजकल के हम बाकी फिल्म्स में देखते हैं तो बहुत ही फिल्टर्ड और बहुत ही फेकनेस होता है, बट देन कोरा कागज़ में बहुत कुछ रियल दिखाया है। एंड या एंड इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो कि कोरा कागज़ से हमें यही मैसेज मिलता है कि कोई भी सिचुएशन हो, एंड जब मैं इनके इन बच्चों का सिचुएशन देखती हूँ तो आई फील सो लकी कि आई एम एट अ सच अ गुड पोजिशन, एंड फिर भी मैं अपने प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा मानती हूँ। लेकिन मुझे यही सीखने मिला, यही मोटिवेट हुई, मैं इंस्पायर हुई कि कोई भी सिचुएशन हो हम उससे उभर सकते हैं एंड उसे निकल सकते हैं। यस, बहुत वास्तव है और बहुत ही सुंदर अभिनय था, और इसमें जो मैसेज है बहुत ही अच्छी तरह से पुटअप
किया गया है और बहुत ही इम्प्रेसिव था। सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। इस मूवी से आपने कुछ नया सीखा है? आपने कहा बहुत अच्छा मैसेज। हाँ जी, मैसेज तो है ना कि नेचुरल इस पे ध्यान करे और ये सब सिंथेटिक से बाहर आए, बहुत ही अच्छा था। और रजत कपूर जी का कैसा? वेरी नाइस, ही इज लाइक अमेजिंग। जो संध्या बनी थी निशानी यादव जी, शी इज यू नो अमेजिंग, वेरी नाइस। बहुत प्यारी मूवी है। डायरेक्टर ने बहुत कम समय में एक बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाई है कि हम किस तरीके से अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाके चीज़ों को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। सभी ने बहुत बेहतर काम किया है और डायरेक्शन बहुत कम संसाधनों में बहुत प्यारी चीज़ बनाई है। बहुत बहुत अच्छी पिक्चर है। एक्शन कैसा लगा? सर एक मिनट, आरुषि जी हैं जो फिल्म में, आरुषि बनी है। हाँ जी, मीरल कपूर जी। हाँ जी, तो उनका काम कैसा था सर? आरुषि जी बेहतरीन रंगमंच से, हम तो रंगमंच से ही है तो उन्हें पीछे से जानते हैं और वो हमेशा जब भी किसी चीज़ पे इन्वॉल्व होती हैं तो एक कैरेक्टर को कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर काम करती हैं और इसमें दिखा भी है पर्दे पर उनका काम। बहुत अच्छा काम था उनका। थैंक यू। एक्चुअली जो नवनीत रंजन जी है उन्होंने काफ़ी अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी। और स्पेशली रजत कपूर जी जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बेसिकली मेरे को मतलब रियलिस्टिक मूवी है काफ़ी और यूनिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, मस्ट वॉच मूवी। आई गो विद 8। बहुत अच्छी लगी सर मूवी, बहुत अच्छी लगी और काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा काम भी किया है और मुझे तो बहुत फाइनली बहुत अच्छी लगी। और कुछ नया मैसेज मिला आपको इस मूवी से? नया मैसेज कि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट के नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल आर्ट फिल्म है और डायरेक्शन भी बहुत ही कमाल का है और सभी आर्टिस्टों ने बहुत कमाल का काम किया है। कास्टिंग को लेकर बात किया जाए तो रजत कपूर और स्वास्तिका मुखर्जी दोनों मतलब फिट कास्टिंग और दोनों ने अपना अपना किरदार भी बहुत अच्छे से निभाया है। बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए भविष्य के लिए प्रे करता हूँ कि उनको चीज़ें आगे मिले और इस फिल्म का जो अच्छा ये आर्टिस्टिक फिल्म है। एक और मैं कहना चाहूँगी कि ऑडियंस इसे आके देखे, अपना ओपिनियन दे। हालांकि ऐसी फिल्में हॉल में नहीं लग पाती, बड़ा मुश्किल होता है। और अभी तो बस कितने रेटिंग देना चाहेंगे सर? रेटिंग के हिसाब से सॉरी 10 में से 8 रेटिंग दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत हुई है, काफ़ी सारे लोगों ने मेहनत की, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोगों ने नहीं देखा, मैं देख के आया हूँ, तो यही है 8 रेटिंग देनी चाहिए। क्वेश्चन पूछना सर, हाउ डिड यू लाइक दिस मूवी? या आई लव अ लॉट, काफ़ी इंटरेस्टिंग था मूवी में, अच्छा अच्छा चीज़ें दिखाया गया है इस मूवी में, तो इट मोटिवेट मी अ लॉट। सबको दिखाना चाहिए, ऐसा मूवी आना चाहिए बॉलीवुड में। सो आशा करता हूँ कि इन फ्यूचर बॉलीवुड में ऐसा मूवी आए। और रजत कपूर जी ने, हाँ उनका एक्टिंग तो काफ़ी अच्छा था। आई शुड एडमायर हिम कि वो तो करना ही है कि उनका एक्टिंग काफ़ी अच्छा था। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या ऐसे काम करते हैं। और एनजीओ को लेके जो भी दिखाया गया बच्चों में चीज़ें, काफ़ी रियल एंड रॉ था। आई लाइक दैट अलॉट। सो दैट्स इट। बाकी डायरेक्शन कैसा था इसमें? या दैट वाज नाइस, बहुत अच्छा था। जी 5 में से कितने स्टार? 5 में से कम आई विल गो विथ 7.5। मूवी बहुत अच्छी लगी है और जो नवनीत सर ने जो डायरेक्टर मतलब हैं तो बहुत अच्छा मतलब उन्होंने किया है और मूवी बहुत अच्छी है हमारे हिसाब से। सबको मूवी देखनी चाहिए, जितने भी बच्चों ने जो भी परफॉर्मेंस किया है सबने अच्छा किया है। क्योंकि आपको सबसे प्रभावित जो बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, जो रजत सर हैं वो भी बहुत अच्छा किया है और नवनीत सर का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। ऐसे देना चाहेंगे सर आप 10 में से आउट ऑफ 10? 8 देना चाहिए क्योंकि सबने बहुत काम अच्छा किया है। एक मूवी बनती है उसकी, उसमें क्या सबकी देखो मेहनत होती है, चाहे राइटर हो, डायरेक्टर हो या कास्टिंग डायरेक्टर हो या मतलब जितने भी करेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू वेरी मच। ओके, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। मेरे हिसाब से एक मैसेज है ये समाज को कि जितने भी स्कूल एनजीओज वगैरह चल रहे हैं सभी को अपने बच्चों को स्कूल के बच्चों को ले जाकर दिखानी चाहिए मूवी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नवनीत सर को। थैंक यू। ये मूवी आपने देखी, कैसा लगा आपको ये मूवी? बहुत अच्छी है। परफॉर्म कैसा लगा इसमें डायरेक्टर?